नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने 23 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली है। इसमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, मारपीट, आबकारी, गोवध सहित अन्य मामलों से संबंधित अपराधी हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिन अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली है उनमें आजमगढ़ जिले के अरला में चर्चित हत्याकांड, युवती के दो टुकड़े में मिले शव के मामले में मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की हिस्ट्री सीट खोली गई है। इसके अलावा दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरवा गांव निवासी टाइगर उर्फ मृगांग, पवई थाना क्षेत्र के लखमापुर गाँव निवासी हन्नान, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुरासो चकसा काफी गांव निवासी दिलसाद, रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटला निवासी वसीम व अनीस, रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेमराहा गांव निवासी लालजी यादव, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमेवाड़ा गांव निवासी पंकज मिश्रा, जहानागंज थाना क्षेत्र के कारित गांव निवासी राजेंद्र यादव, विनोद यादव उर्फ आलोक, पवई थाना क्षेत्र के मुतकल्लीपुर गाँव निवासी विजय कुमार विश्वकर्मा, महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद किला दोयम गांव निवासी संतोष यादव, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के निवेदा गांव निवासी मोहम्मद उमर व मोहम्मद अमलाक अहमद, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडी गांव निवासी फहीम, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर निवेदा गांव निवासी ओबेदुल्ला मोहम्मद गालिब, समीम अहमद व सैफुल्ला, तरवा थाना क्षेत्र के कमरिया गांव निवासी विजय गुप्ता व रणधीर यादव, सैमीर थाना क्षेत्र के सेरवा गांव निवासी जावेद अख्तर, वर्धा थाना क्षेत्र के इन्नी गांव निवासी दीपक राजभर का नाम शामिल है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।